सर ये लीजिए आपका ऑर्डर। तुम एकदम परफेक्ट लग रही हो। चलो। अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या बदतमीजी है सर? और आपने गेट क्यों बंद कर दिया? ये सब छोड़ो, अब फटाफट अपने कपड़े उतारो। What the hell सर? एक तो आप जबरदस्ती मुझे अंदर ले आए और अब कह रहे हो कि अपने कपड़े उतारो। मैंने कहा ना कपड़े उतारो, तुम यहाँ आई अपनी मर्जी से हो लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से। देखिए सर मैं ऐसी वैसी टाइप की लड़की नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये लो ये टॉप पहन लो फटाफट, तुम्हें बस मेरी बीवी बनने की एक्टिंग करनी है। देखिए सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं तो वैसे भी शादीशुदा हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे करना मुझे भी कुछ नहीं है, मैं तुम्हें इसके पैसे भी दूंगा, पूरे 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए? और वो भी सिर्फ बीवी बनने की एक्टिंग करने के? हाँ, ये लो। लाइए सर मैं अभी चेंज करके आती हूँ। सुंदर लग रही हो सर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे करवाना क्या चाहते हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस मेरी बीवी बनने की एक्टिंग करनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और मैं तुम्हें इस बात के पैसे दे रहा हूँ ना, तो ज्यादा सवाल मत करो। सर मैं कह रही थी मुझे पैसे पहले दे देते तो अच्छा रहता। देखो पैसे तो तुम्हें काम होने के बाद ही दूंगा, अभी कुछ एडवांस पकड़ा देता हूँ। ठीक है ये लो। लेकिन सर मुझे करना क्या है? बस तुम्हें मेरा हाथ पकड़ के बैठना होगा। आशिव कौन है ये लड़की और क्या चल रहा है यहाँ पे? चुप क्यों, बोलो ना कौन है ये लड़की? ये मेरी बीवी है। बीवी है? आशिव तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? हमारी एंगेजमेंट हो रखी है और तुम कह रहे हो तुम्हारी बीवी है ये? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरी बीवी है। और वैसे भी तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट तो जबरदस्ती हुई थी, शायद तुम्हें ये बात पता हो ऑलरेडी। आशिक तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे, तुम तो बहुत प्यार करते थे मेरे से और तुम तो बहुत खुश थे मेरे साथ। ये मैं क्या सुन रही हूँ, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम्हें नहीं पता क्या, हमारे माँ बाप ने हमारा रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था और मैं कभी इससे खुश नहीं था और शायद तुम भी नहीं थी। तुमने ये सब एंगेजमेंट से पहले क्यों नहीं बोला? बस करो यार, इससे ज्यादा एक शब्द और नहीं सुन सकता। और तुमने एक लफ्ज और निकाला ना अपने मुंह से तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा, समझी? मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। अरे कौन सा प्यार, कैसा प्यार, और फियांसे हो ना, पकड़ो अपनी रिंग और निकल जाओ यहां से। आशिक तुम क्या कर रहे हो, तुम इस लड़की के लिए मुझे छोड़ रहे हो, हमारी एंगेजमेंट तोड़ रहे हो, सच बताओ ये लड़की है कौन तुम्हारी? अरे बताया तो इतनी बार, बीवी है मेरी, इससे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे कोई प्यार नहीं करता मैं। आउट। इन मैम को देख के लगता है कि आपसे बहुत प्यार करती हैं। हाँ ये बात सच है, और प्यार तो मैं भी उससे बहुत करता हूँ। फिर आपने ये सब क्यों किया? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे कैंसर है, मैं 3-4 महीने से ज्यादा जी नहीं पाऊंगा, और अगर ये बात उसे पता लगती ना तो वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाती, मेरे साथ अपना फ्यूचर भी खराब कर लेती, और मैं चाहता हूँ कि उसे मुझसे भी कोई बेटर मिल जाए, तो इसलिए मुझे ये ड्रामा करना पड़ा। सर ये पैसे आप रखो, मैं नहीं रख सकती। अरे ये तुम रखो, ये मैंने तुम्हें दिए हैं ना पैसे। सर आप कुछ अच्छा कर रहे हो और मैं इस अच्छे काम के पैसे नहीं ले सकती। थैंक यू।